हेलो स्टूडेंट्स इन द लास्ट वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट द जनरेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी मॉडुलेटेड वेव दैट इज द जनरेशन ऑफ एफएम नाउ इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द डी मॉड्यूलेशन ऑफ एफएम तो यहाँ पर हम लोग टू मेथड्स स्टडी करेंगे डी ऑफ एफ के लिए फर्स्ट मैथड जो हमारा होगा वो होगा फ्रिक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मैथड एंड सेकेंड मेथड जो आपका होगा वो होगा आपका फेस लॉग्ड लूप जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है अगर आप टॉपिक वाइज भी बात करें तो एवरी ईयर पीएलएल से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं थ्योरिकल एग्जाम में लाइक ई एस के ऑब्जेक्टिव में नेट के एग्जाम में एवरी ईयर यू कैन एक्सपेक्ट थ्योरी क्वेश्चन ठीक है तो काफी से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पी बट हम स्टार्ट करेंगे फ्रिक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मैथड से ठीक है तो फ्रिक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड जो आपका होता है उसका मैं सबसे पहले आपके लिए ब्लॉक डायग्राम बना देता हूं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा देखिए हमारा जो इनपुट सिग्नल होगा यहां पर वो क्या होगा सिग्नल होगा ठीक है और इनपुट सिग्नल अप्लाई कर देने के बाद ये इनपुट सिग्नल जो है ये ट्यून्ड सर्किट से पास होगा आपका तो यहां पर आपके दो ट्यून सर्किट यूज होंगे ट्यून सर्किट वन उसके बाद आपका यूज होगा एनवेलप डिटेक्टर वन एंड नीचे साइड भी आपका ट्यून सर्किट यूज होगा ट्यून सर्किट टू एंड एनवेलप डिटेक्टर टू तो आपके टू ट्यून सर्किट यूज होंगे एंड टू एनवेलप डिटेक्टर यूज होंगे ठीक है और एनवेलप डिटेक्टर के जो आउटपुट्स हैं आपके वो आपके एक एडर में जाएंगे ठीक है और बेसिकली वो सब्ट्रैक्ट होंगे आपका जो नीचे वाला साइन होगा वो माइनस होगा ठीक है और फाइनली आपको आउटपुट मिल जाएगा ठीक है तो ये हमारा बेसिक ब्लॉक डायग्राम होता है इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड अब हम इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे यहां पर जो आपका इनकमिंग सिग्नल सिग्नल होता होता है वो होता है वो ठीक है तो यहां पर एफ सिग्नल के लिए देखिए तीन पॉसिबल कंडीशन हो सकती है एक हो सकता है कि जो इंस्टेटेनियस फ्रिक्वेंसी है एफ वो एफ के इक्वल हो एक पॉसिबल कंडीशन हो सकती है कि एफ आई ग्रेटर हो एफ सी से और एक पॉसिबल कंडीशन हो सकती है कि एफ आई लेस हो Fc से ठीक है तो ये थ्री पॉसिबल कंडीशंस हैं आपके लिए तो यहां पर अगर हम समझें इस बात को तो जो आपका ट्यून सर्किट है उसकी भी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होगी आपकी तो इसकी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी मैं एफ आर वन ले रहा हूं और इसकी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी एफ आर टू ले रहा हूं ठीक है तो जो ट्यून सर्किट है ट्यून सर्किट मीन्स क्या है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर आपको मैक्सिमम गेन प्रोवाइड करेंगे दैट्स इट यही है आपका ठीक है और एनवेलप जो डिटेक्टर है आपका उसके बारे में आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो एएम मॉड्यशन के टाइम पे ठीक है ना एनवेलप डिटेक्टर क्या होता है तो आप देखोगे किस तरीके से इसका यूज हम यहां पर करने वाले हैं ठीक है एनवेलप डिटेक्टर जो बेसिकली हमने ए एम मॉड्युलेशन में पढ़ा था एनवेलप डिटेक्टर का काम था मॉड करना को, ठीक है? और है, की, like fi fc, fi fc, fi fc. इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले एक बार इस वीडियो को पॉज करके डायरेक्ट मेथड ऑफ एफ जनरेशन स्टडी कर लीजिए क्योंकि बिल्कुल उसी मेथड का हम यहां पर रिवर्स करने वाले हैं ठीक है, डायरेक्ट मेथड ऑफ एफ एम जनरेशन में आउटपुट में हमें ये कॉम्बिनेशन मिले थे ठीक है ना जो साइन वेव आपने ली थी उसके करस्पॉन्डिंग आपको ये मिले थे ठीक है ना आउटपुट में आपको एफ आई इक्वल टू एफ सी मिला था जहां मैसेज जीरो था एफ आई ग्रेटर देन एफ सी मिला था जहां मैसेज का पीक था और एफ आई लेस देन एफ सी मिला था जहां मैसेज का मिनिमम पीक था आपका ठीक है ना तो एक बार आप डायरेक्ट मेथड को फॉलो कर लीजिए एफ एम जनरेशन के लिए जो हमने दो वीडियो पहले ही स्टडी किया हुआ है तो उससे आपको काफी आसान लगेगा ये फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड नाउ अब अगर हम प्रोसेस स्टार्ट करें यहां पर तो सबसे पहले हम जो ट्यून्ड सर्किट है जिसमें रेजोनेंस कर्व है आपके लिए उसका एनालिसिस हम कर लेते हैं ठीक है देखिए रेजोनेंस कर्व को पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूं दोनों के दोनों ट्यून सर्किट के लिए ठीक है तो यहां पर समझिएगा रेजोनेंस जो आपका कर्व होता है ये आपका वाई एक्सिस क्या होता है गेन का और एक्स एक्सिस होता है आपका फ्रीक्वेंसी का तो बेसिकली यहां पर जो ट्यून सर्किट का रोल है ना आपके लिए वो है कि फ्रीक्वेंसी वेरिएशंस को गेन गेन को और क्या बोल सकते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड वेरिएशन में कन्वर्ट करना ठीक है बेसिकली यहां ध्यान से देखिए एफएम सिग्नल जब इनकमिंग होगा ठीक है तो ऑब्वियस सी बात है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल माने फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन होगा ये ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं तो ट्यून सर्किट क्या करेगा इस फ्रीक्वेंसी वेरिएशन को कन्वर्ट कर देगा एम्पलीट्यूड वेरिएशन में ठीक है ना हम क्या करेंगे इस एक्स एक्सिस से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू देखेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड देख लेंगे तो होता क्या है जब आपका फ्रीक्वेंसी वेरिएशन एम्पलीट्यूड वेरिएशन में कन्वर्ट होता है तो एक तरह से वो एम्पलीट्यूड मॉड्यटेड वेवफॉर्म हो गई क्योंकि एम्पलीट्यूड मॉडलेटेड वेब फॉर्म में ही एम्पलीट्यूड वेरिएशन होता है तो उसे हम फिर एनवेलप डिटेक्शन से डिमोडलेट कर लेते हैं एनवेलप डिटेक्शन से डिमोडलेन कैसे होता है वो आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं उसको हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे लेकिन ये जो ट्यून सर्किट वाला एनालिसिस है उसे हम काफी डिटेल में स्टडी करेंगे यहां पर ठीक है तो अब आप देखिए जो ट्यून्ड सर्किट है मैं यहां पर अज्यूम कर रहा हूं कि जो ट्यून सर्किट वन है उसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ग्रेटर है ट्यून सर्किट 2 की रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से ठीक है तो कुछ स्ट्रक्चर मैं इस तरीके का ले रहा हूं आपके लिए ये आपका स्ट्रक्चर हो गया दोनों ट्यून सर्किट का ऑब्वियस सी बात है ये बिल्कुल कर्व शेप होगा आपका ठीक है तो अब आप देखिए ट्यून्ड सर्किट पर ट्यून सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर आपको क्या मिलता है मैक्सिमम गेन मिलता है तो FR2 एंड दिस वन इज FR1 ठीक है और ये दोनों ही ट्यून सर्किट जो है ना उनका जो है, वो कहां तक कर आपका जीरो तक प्लस इंफनाइट पर भी माइनस इन पर भी ठीक है मैक्सिमम ठीक आपका ये? ये आपका है तो अब अगर आप यहां पर ध्यान से समझें ये दोनों के दोनों ट्यून सर्किट जो कि रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के दोनों तरफ जीरो की तरफ चले जाते हैं तो देखिए इनके कर्व जो है आपस में एक दूसरे को कट करेंगे यहां पर ठीक है ना ऑब्वियसली बात है कट करना ही पड़ेगा क्योंकि दोनों ही फ्रीक्वेंसी में इंफनाइट तक जाते हैं और एम्पलीट्यूड में जीरो तक जाते हैं ठीक है ना नाउ अब इस कटिंग पॉइंट पर आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसका नॉलेज हमें यहां पर लेना होगा ठीक है तो अब एक बात को ध्यान से समझिएगा आप देखिए ये जो कटिंग पॉइंट है इसमें जो गेन होगा वो दोनों ही ट्यून्ड सर्किट के लिए क्या होगा सेम होगा क्लियर अच्छे से इस कटिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो भी फ्रीक्वेंसी आएगी उस फ्रीक्वेंसी पर गेन दोनों ही ट्यून सर्किट के लिए सेम होगा क्योंकि दोनों ही ट्यून सर्किट इस पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं दोनों ही ट्यून सर्किट के एम्पलीट्यूड इस पॉइंट पर क्या होंगे सेम होंगे ठीक है तो अब इस बात को समझिए अगर हमें आउटपुट जो है वो जीरो चाहिए बेसिकली अगर हमें आउटपुट जीरो चाहिए दैट मीन्स आउटपुट पे हमें मिलने क्या वाला है आउटपुट पे हमें मिलने वाला है मैसेज सिग्नल ठीक है ना हम डी मॉडलेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो अगर हमें आउटपुट जीरो चाहिए तो मैसेज सिग्नल जीरो कब मिलेगा जब मॉडलेशन नहीं हुआ होगा दैट मीन्स जब एफ आई एफ सी के इक्वल होगा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आप डायरेक्ट मेथड को फॉलो कर सकते हैं ठीक है ना तो एफ आई जब एफ सी के इक्वल होगा तो आपको आउटपुट जीरो मिलेगा तो जब एफ आई एफ सी के इक्वल होगा ठीक है मीन्स इस ट्यून्ड सर्किट वन में और इस ट्यून्ड सर्किट टू में दोनों जगह आपका एफ सी एफ सी हो जाएगा ठीक है ना देख लीजिए दोनों को सेम इनपुट मिल रहा है ना दोनों के दोनों ट्यून सर्किट को तो जब दोनों जगह एफ सी एफ सी अप्लाई होगा तो आउटपुट के जीरो होने के लिए नीडेड क्या है इस बात को भी समझ लेते हैं आउटपुट के जीरो होने के लिए नीडेड ये है मैं पहले आउटपुट यहां पर कुछ शो कर देता हूं हर एक ब्लॉक का तो आउटपुट के जीरो होने के लिए ये नीडेड है कि वी थ्री और वी फोर इक्वल हो ठीक है तभी तो वी थ्री माइनस वी फोर क्या हो जाएगा जीरो और वी थ्री और वी फोर कब इक्वल होंगे जब V1 और V2 इक्वल होंगे ठीक है ना वी वन वी टू जब इक्वल होंगे दोनों का जो एनवेलप डिटेक्शन वाला आउटपुट होगा वो भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा तो जब वी वन वी टू इक्वल होंगे तो वी थ्री वी फोर इक्वल होंगे इसका मतलब जब एफ आई इक्वल टू एफ सी आप अप्लाई करोगे इसका मीनिंग ये है कि दोनों के दोनों ट्यून सर्किट आपको सेम गेन गेंद या सेम एम्पलीट्यूड दें तो ऑब्वियस सी बात है इस पूरे रेजोनेंस कर्व पे एक ही ऐसा पॉइंट है जहां पर दोनों के दोनों ट्यून सर्किट आपको सेम गेन दे रहे हैं वो है आपका ये पॉइंट तो इसी पॉइंट का नाम होगा एफ सी क्लियर है अच्छे से तो इसको आप ध्यान से समझिए ऐसा नहीं कि आपको कोई रटना है आप बड़े आराम से इस चीज को अंडरस्टैंड करिए कि एफ आई इक्वल टू एफ सी पर आपको आउटपुट जीरो मिलने वाला है यह आपको पहले से पता है ठीक है तो आउटपुट जीरो तभी मिलेगा जब वी वन इक्वल टू वी टू के होंगे और V1 वन इक्वल टू वी का मतलब है दोनों के दोनों ट्यून सर्किट जो हैं वो सेम एम्पलीट्यूड आपको दे रहे हैं तो वो ऑब्वियस सी बात है वहीं पर देंगे जहां पर दोनों एक दूसरे को कट कर रहे होंगे तो फ्रीक्वेंसी वो क्या होगी आपकी एफसी होगी क्लियर हो गया अच्छे से अब यहां पर समझिएगा यहां पर एफ आई ग्रेटर देन एफ सी मैं इसे यहां पर अज्यूम कर लेता हूं इस पॉइंट पे एफ आई ग्रेटर लेता हूं ठीक है तो अब आप देखिए जब आप अगला इनपुट देंगे एफ आई ग्रेटर तो एफ आई ग्रेटर के केस में जो दोनों के दोनों ट्यून सर्किट को सेम इनपुट जब मिलेगा तो इस पहले ट्यून सर्किट को आप देखिए जो एफ आर वन वाला है जिसकी फ्रीक्वेंसी आपने ग्रेटर ली है सेकेंड वाले से और सेकेंड ट्यून सर्किट का गेन आपका ये है तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि जो फर्स्ट ट्यून सर्किट के रेस्पेक्ट में आपको एम्पलीट्यूड मिलेगा या गेन मिलेगा वो काफी ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू सेकेंड ट्यून सर्किट के एम्पलीट्यूड के रेस्पेक्ट में ठीक है जब आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी एफ आई ग्रेटर देन एफ सी होगी तो इसका मतलब क्या होगा वी वन ग्रेटर होगा वी टू से वी थ्री भी फिर ग्रेटर होगा वी फोर से और आउटपुट क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव क्लियर है अच्छे से तो यहां पर मैं आपके लिए केस लिख देता हूं केस जब एफ आई ग्रेटर होगा एफ सी से तो ऑब्वियस सी बात है V1 जो है वो ग्रेटर होगा V2 से और जब V1 वन ग्रेटर होगा V2 से तो V3 भी क्या होगा ग्रेटर होगा V4 से और जो आपका आउटपुट है जो मैसेज है वो क्या होगा पॉजिटिव और आपने ये चीज स्टडी करी हुई है डायरेक्ट मेथड ऑफ एफएम जनरेशन में जब एफ आई ग्रेटर देन एफ सी होता है तो मैसेज की पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है ठीक है सेम वैसे ही जब एफ आई लेस देन एफ सी होगा लास्ट केस तो यहां पर आप देखिए एफ आई लेस देन एफ सी के लिए ये रही आपका पॉइंट तो यहां पर अगर आप ड्रॉ कर लें तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो आपका एफ आर टू वाला जो ट्यून सर्किट है उसको कहीं ज्यादा गेन मिलेगा एस कंपेयर टू एफ आर वन वाले ट्यून सर्किट के रेस्पेक्ट में दैट मीन्स आप बोल सकते हैं कि जो एफ आर टू या जो सेकेंड ट्यून सर्किट है उसका आउटपुट मच ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट ट्यून सर्किट से ठीक है तो इस केस में आप बोल सकते हो कि जब भी आपका एफ आई लेस होगा एफ सी से तो वी वन लेस होगा वी टू से वी थ्री लेस होगा वी फोर से एंड जो आपका आउटपुट है वो क्या हो जाएगा नेगेटिव और हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि जब भी एफ आई लेस एफ सी होता है या इसका अपोजिट हमने स्टडी किया था डायरेक्ट मेथड में कि जब भी आपका मैसेज की नेगेटिव हाफ साइकिल होती है आपको एफ आई लेस देन एफ सी मिलता है ठीक है तो इस तरीके से आप इस मेथड को अंडरस्टैंड कर सकते हो तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड और इसी मेथड को हम लोग बैलेंस स्लोप डिटेक्टर के नाम से भी जानते हैं ठीक है तो काफी इजी मेथड है यह आपका अगर आपने डायरेक्ट मेथड को अंडरस्टैंड किया हुआ है तो ये मेथड आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पीएलएल स्टडी करेंगे जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन और मैं ये भी बोलूंगा अगर थ्योरिकल एग्जाम की बात की जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कम्युनिकेशन सिस्टम में ठीक है तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे ठीक है अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं थैंक यू